13.34 शो हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 मिनट लगाएंगे, यानी 15 मिनट्स, ठीक है। और मैं समझाता हूँ कि ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दो तरीके बता रहा हूँ अपनी मोटर बाइक की या स्कूटी की बैटरी को चार्ज करने के, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन में हो सकता है खड़े खड़े आपकी बाइक की या स्कूटी की बैटरी जो है आप लोग की डाउन हो गई हो, तो देखिए इसको चार्ज करेंगे दो तरीके से। पहला तरीका यूपीएस वाला है, तो ये कंप्यूटर यूपीएस सबके पास होगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि इससे जो है बैटरी वाले वायर बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं यूपीएस मैंने खोल दिया है, तो हमें देखिए यहाँ पर ज्यादा देखने में आप लोग को लग रहा है टिपिकल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है बैटरी लगी रहती है, ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रहे हैं वो भी मोटे होंगे, लेकिन उसका आपको ध्यान रखना है, आपको जो यहाँ पर वायर बैटरी से कनेक्ट होंगे, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट रहेंगे, वो वायर निकालने हैं। तो वो वायर दोस्तों ये वाले थे, मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये वाले जो ये रेड का डबल वाला बन चाहिए, और ये थे, और वो नीचे यहाँ से बैटरी में जोड़े थे। तो बैटरी में ना जोड़ करके उन्हें बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, जैसे मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बाइक में से हमें जो है बैटरी को निकाल लेना है, ठीक है। डायरेक्ट बैटरी को बाइक में लगे हुए हम चार्ज नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, और अब हम इसकी सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज कितनी है, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज जो हमें दिखाई दे रही है वो 12.73 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 12.7 वोल्टेज के अराउंड है तो ठीक है, हाँ बैटरी चार्ज है, और लेकिन फिर भी आप सेल्फ लगा के देख लीजिए, अगर बैटरी यानी बाइक का सेल्फ चल रहा है, यानी बाइक सेल्फ ले रही है, तो फिर बैटरी ओके है, तो उसको फर्दर चार्जिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन सेल्फ नहीं ले रही है या दो तीन सेल्फ में डाउन हो जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग ये फॉर्मूला ट्राई करिए, बैटरी को चार्ज करिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो यूपीएस के हमने जो वायर निकाले हैं, तो ये वाला पॉजिटिव है, ध्यान से लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत रोल है यहाँ पे। पॉजिटिव लगाया पॉजिटिव में, और नेगेटिव वायर देख सकते हैं आप बैटरी के नेगेटिव में लगाया, यहाँ बैटरी में लिखा भी रहता है, ठीक है। तो बैटरी का लगाया नेगेटिव, ये हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सीबी ऑन हो रहा है कि नहीं, यूपीएस ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यूपीएस ऑन हो गया, ठीक है। और देखिए बैटरी वोल्टेज गिर रही है, इसका मतलब बैटरी हमारी चार्जिंग दिखा रही थी, लेकिन इसके अंदर चार्ज फेल नहीं है, केवल वोल्टेज दिखा रही थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो यूपीएस की मेंस होती है इसको हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आपकी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है यूपीएस से कनेक्ट करते ही, और ये धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी बैटरी। आप इस पर लगा के छोड़ दीजिए, यूपीएस इसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, और जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यूपीएस अपने आप बंद कर देगा चार्जिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फुल चार्ज हो जाए तो वापस से बैटरी को बैटरी में लगाइए, और आराम से आपकी बाइक फिर सेल्फ लेने लगेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके यहाँ इन्वर्टर और बैटरी का सेट ज़रूर से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, केवल इस बैटरी के पैरेलल में इस वाली बैटरी को कनेक्ट करना है, यानी कि इसका जो हमारी वाली बैटरी का जो नेगेटिव है वो बड़ी वाली बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट करना है, और जिसका पॉजिटिव है यानी प्लस है वो पॉजिटिव को हमें इस बैटरी के बड़ी वाली बैटरी के पॉजिटिव यानी यहाँ कनेक्ट करना है। तो वायर से देख लेंगे एक बार, बिल्कुल सही कनेक्टिविटी रखनी है। तो प्लस हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, प्लस है, और माइनस कनेक्ट करूँगा मैं नीचे यहाँ इसमें, तो वोल्टेज देखेंगे आप बढ़ जाएगी। और ये काम हमें सिर्फ देखिए, ठीक है, कितना आ रहा है वह तो देखते हैं, 13.34 शो हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 मिनट लगाएंगे, यानी 15 मिनट्स, ठीक है। और मैं समझाता हूँ, केवल आप लोग को 10 से 15 मिनट लगाना है अगर आपकी बैटरी मतलब चार्ज नहीं है, बाइक को सेल्फ नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट में ही अगर आपकी बैटरी चार्ज होनी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि ये तरीका जो है सेफ तो है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दूसरी बड़ी बैटरी है अगर बहुत ज़्यादा करंट इन्वर्टर देता है तो बड़ी बैटरी में चला जाएगा, तो करंट हमारा बड़ी बैटरी में चला जाएगा ज़्यादा आता है तो, ठीक है, छोटी बैटरी सेफ रहेगी, सेफली चार्ज हो जाएगी।
तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो थी, आई होप कि आप लोग को पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए। दोस्तों कोई भी कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर आपको आता है तो मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और जब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।